वॉट इज द डेली शेड्यूल ऑफ इंश्योरेंस एजेंट दोस्तों हर इंश्योरेंस एजेंट को सक्सेसफुल होने के लिए देर इज अ सर्टन सेट ऑफ डिसिप्लिन दैट अ पर्सन नीड्स टू फॉलो मैंने मेरे वीडियो में जो अब ऊपर आप देखेंगे फ्री की दुकान के अंदर क्लियरली मैंशन किया था दैट हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर फ्री की दुकान अवेलेबल है दैट मीन्स फ्री में हम प्रोस्पेक्ट्स को इकट्ठा कर सकते हैं उनके साथ अप्रोच कर सकते हैं मिल सकते हैं बट द बेजिक चैलेंजिस वी हैव टू फॉलो द सर्टन सेट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस टू गेट आवर प्रोस्पेक्ट्स आर वी रेडी फॉर इट इफ यू आर रेडी फॉर इट टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स आई एम रेडी बिकॉज मेरे पास बिजनेस अच्छा है पर बिजनेस को करने का एक स्पेसिफिक तरीका जो है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा इफ़ यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये पूरा तरीका आज ये जान पाएंगे वेर यू कैन क्रिएट योर एंटायर सक्सेस फॉर्मूला हाउ यू कैन सिट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम एंड स्टिल डू अ फेंटेस्टिक बिजनेस For those who do not know me, my name is Amit Kothari and I have been there in the insurance industry since 2002 and I have trained more than 1.5 lakh insurance professionals up till now. Are we ready for it? Let's dive deep. So, what's the step? So, the step is very, very clear discipline of action and commitment to self. नंबर वन थिंग दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू टू आस्क टू चेंज सम हैबिट्स आर यू रेडी टू चेंज समाउन आई एम कमिटेड फॉर द एक्शन एडप्टेशन ऑफ न्यू सिस्टम्स नाइनटीन फिफ्टी सिक्स से लेके अभी तक जो प्रोसेस चलते आ रहा था हम अभी तक वही फॉलो कर रहे थे जल्दी उठो लोगों के पास मिलने जाओ कॉल करो यस दिस वॉज द सिस्टम बट अब जब मॉडर्न एज आ गई है इंफॉर्मेशन की जो एज है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने पास ऑनलाइन पर अवेलेबल है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो इज द सेम थिंग सो आर वी रेडी टू अडॉप्ट द न्यू सिस्टम एंड द थर्ड इज़ ट्रैकिंग सी दर आर थ्री थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर एनी सक्सेस वन इज़ द माइंड सेकेंड थिंग इज द स्किल सेट द थर्ड थिंग इज द टूल सेट और ये तीनों चीज को अगर हमने ध्यान में रखा देन देर इज अ गारंटेड फॉर्मूला टू वर्क नाउ इन इंश्योरेंस द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेल्स यानी सेल्स करने के लिए भी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा बट द स्ट्रेटेजीज है वॉट इज अ डिफरेंस पहले के टाइम में हम क्लियरली कहते थे कि नाम इकट्ठा करो उनको अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करो फिर पर्सनली वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए जाओ प्रेजेंटेशन करो और फिर क्लोज करो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस डेज व्हेन हम कहते थे कि मेक द लिस्ट ऑफ 200 पीपल एब्सोल्युटली यस, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल टेक्निक दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी इंश्योरेंस प्रोफेशनल प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द लिस्ट ऑफ 200 पीपल जिनको हमें मिलना है हम बैग उठा के किसी के पास तो जा नहीं सकते सो नंबर वन इज क्रिएशन ऑफ नेम द सेकेंड डेली रूटीन दैट वी नीड टू फॉलो दैट इज कॉल अभी मुझे पता है आपके दिमाग में वो क्वेश्चन होगा अमित अभी तक तो हम वही कर रहे हैं बट मेरी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में जो रिसेंट जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस को कैसे करना उसके ऊपर हम और डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे सो हैंग ऑन टू द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वॉट इज द चेंज दैट वी हैव टू अडॉप्ट सो द नंबर टू पॉइंट इज कॉलिंग एवरी डे अ सर्टन नंबर ऑफ कॉल्स दैट वी नीड टू मेक फॉर एग्जाम्पल मैं टोनी गॉर्डन साहब की बुक पढ़ रहा था और उसके अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया कहा है एवरी फ्राइडे माई शेड्यूल इज़ फिक्सड आई विल पैक माई नेक्स्ट वीक फॉर एंटायर अपॉइंटमेंट्स इसका मतलब है नेक्स्ट वीक में क्या करना उसको सुबह उठ के खोदने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज किसका नंबर लगाऊं। Rather अगर हमारे पास शेड्यूल फिक्स्ड होगा तो हम बढ़िया तरीके से इसमें काम कर सकते हैं सो व्हाट इज द डेली रूटीन द डेली रूटीन इज जस्ट फॉर गोइंग एन अपॉइंटमेंट बट द फर्स्ट फॉर्मेट इज अगर हमारे पास ये 15 अपॉइंटमेंट्स नेक्स्ट वीक की पैक्ड होगी तो अपॉइंटमेंट्स करना है दैट इज सर्टन डिसिप्लिन नाउ लॉट ऑफ थिंग्स है आई फील सो टायर्ड आज मार्केट में बाहर जाने जैसा नहीं है माई डियर फ्रेंड्स आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड इसीलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये सब चीजों का जवाब देने वाला हूँ देन डूइंग प्रेजेंटेशंस फाइनली कमिंग टू क्लोज ना वॉट इज द मॉडर्न टेक्निक फॉर डूइंग दिस द मॉडर्न टेक्निक इज नाम्स तो निकालने हैं नेम्स तो निकालने हैं बट वी आर गोइंग टू यूज द थ्री बेजिक वेज थ्री बेजिक यू you नो know, आज के सोशल मीडिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं दैट इज फेसबुक इंस्टाग्राम एंड लिंकिन ये तीनों जगह पर हमारे चाहिए वैसे प्रॉस्पेक्ट वहां पर अवेलेबल है नाउ आई नो व्हाट इज द क्वेश्चन टू योर माइंड हाउ डू आई रीच टू दैम इवन इफ यू हैव जीरो पीपल इन योर लिस्ट ध्यान से रखिएगा इवन इफ यू हैव जीरो पीपल इन योर लिस्ट स्टिल इफ यू वॉन्ट यू कैन क्रिएट अ एंटायर डेटा बेस ऑफ थ्री थाउजेंड पीपल हाउ विल यू फाइंड अगर आपको ये टेक्निक मिल जाए जहां पर आप तीन हजार लोग एक साल के अंदर आप अपने नेटवर्क में बढ़ा सकते हैं प्लीज गो एंड वॉच माई वीडियो ऑफ फ्री की दुकान उसके अंदर ये सारी चीज मैंने मैंशन की है बट द थिंग इज आर वी रेडी टू अडाप्ट द न्यू चेंज दिस इज वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट अगर हमने अपनी माइंड सेट ये बना लिया है कि नई कुछ चीज़ें अपनाने के लिए हम दस बार सोच रहे हैं माई डियर फ्रेंड्स आज से दस साल पहले आई यूश टू टीच सोशल मीडिया और उस टाइम पे सब लोगों को डाउट होता था कि सोशल लेवल के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर इतना सेल्स होता है कि नहीं होता बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है दे स्पेंड मोर देन 60 परसेंट ऑफ देयर एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया इज ग्रोइंग हम सबको पता है एंड इंडिया स्टैंड टू बी एट नंबर थ्री पोजिशन वेर इज द ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न ये रिपोर्ट्स कहते हैं

वहाँ पर जहाँ अपने बच्चे भी ग्लोबल लेवल के ऊपर बातें चर्चा देख रहे हैं सुन रहे हैं इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल एंड ऐसे कंडीशन के अंदर द मेजर थिंग इज दैट लोग उनको चुनेंगे जो अपने आप को सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव रखेंगे जहाँ पे लोग आपको देख पाएंगे हाउ मेनी ऑफ यू फील जो जितनी बार ज़्यादा लोग आपको देखते हैं उतनी बार आप उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाते हो एंड इफ दैट इज द केस दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट शॉप दैट इज अवेलेबल टू यू सिर्फ एक डेली पोस्ट करने की जरूरत है इफ फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के अंदर लिंक्ड के अंदर हमने अपने डेली पोस्ट किए रिगार्डिंग अवर एक्सपर्टाइज डोंट सेल अबाउट प्रोडक्ट्स बिकॉज पीपल डोंट वॉन्ट प्रोडक्ट्स पीपल वॉन्ट एक्सपर्टाइज फाइव वेज टू रिटायर रिच फाइव वेज फॉर डेट फ्री लाइफ थ्री वेज फॉर इफेक्टिव प्लानिंग और दोस्तों बहुत सारी किताबें अवेलेबल है जहाँ पर अगर हमने अपनी रूटीन के अंदर दिस इज़ वॉट इज द डेली शेड्यूल के अंदर डेली शेड्यूल में अपने आप को रोज कम से कम एक दफ़े सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर कोई ना कोई तरीके से अपने आपकी प्रेजेंस वहाँ पर फील करानी है दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू फॉर डेली शेड्यूल Now for that you need to read, you need to do research, and for those who do not know that we run a kind of an entire uh, course, how to become online insurance expert, how to become online insurance sales master program. You can see that and attend the, my free webinar which talks to you about the success of prospecting online. सो रिमेंबर वन थिंग नहीं आता ऐसा बोल के एक्सक्यूज का दायरा लगा के कोई मतलब नहीं है फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू डू दैट इज गो एंड एक्टिवेट ऑल योर पेजेस एवरी डे बाई अ प्रेजेंस नाउ हाउ डू आई कनेक्ट टू पीपल अगर दिन में दस लोगों के पास मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं अब किसी को भी एट रैंडम नहीं भेजना है यू कैन फाइंड आउट द पीपल ऑन इंटरनेट बेस्ड ऑन कंपनी कौन से कंपनी में लोग काम कर रहे हैं या फिर कौन से सोशल नेटवर्क के साथ में जुड़े हुए हैं आप अगर उनके प्रोफाइल को स्टडी करेंगे यही करते हैं ना हम लोग क्लाइंट के पास जाते हैं तो सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग करते हैं ना और वो चीज अगर हम ऑनलाइन बेस के ऊपर कर सके उसके प्रोफाइल को पढ़ के और उसमें लिखा हुआ है द पर्सन वर्क्स विथ टी इसका मतलब है ही इज एट अ गुड स्टेज उसके फोटोग्राफ्स देखता हूं मैं वहां पर मुझे पता लगता है उसका इंटरेस्ट क्या है यह मुझे पता लगता है अगर प्रोफाइल के ऊपर मुझे टाइम देना पड़ेगा कितना टाइम लगता है अगर मैं अगर ऐसे कोई प्रोफाइल के ऊपर देखता भी हूं हार्डली टेक्स मी फाइव टू सेवन मिनट्स गो थ्रू दैट अगर ऐसे दिन में दस लोगों को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट वहाँ पर भेजता हूँ दस में से शायद दो लोग वहां पर मुझे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे एंड दैट्स ओके और उसके लिए अपने प्रोफाइल को बढ़िया बनाना जरूरी है राइट आई हैव अ स्पेशल कोर्स ऑन फेसबुक कि फेसबुक में आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टू इट वो फ्री का जो वेबिनार है उसमें रजिस्टर कीजिएगा एक बार आप मेरी कम्युनिटी में आ जाएंगे मेरी कम्युनिटी में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आप बार बार उसको देख पाएंगे सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज देर इज अ वे टू डू अस्टमेटिक वे टू डू थिंग्स इफ यू वॉन्ट टू डू इट इन अ बेटर वे वी नीड टू लर्न दैट बेटर वे अगर मेरे प्रोफाइल में ही दम नहीं होगा तो लोग जो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वाले हैं वो भी तो मेरा प्रोफाइल देखने वाले हैं और उसमें अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ वही सब बातें लिखी है जो कॉमन प्रोफाइल के अंदर दिखाई देती है या फिर वो पोस्ट भी रेगुलरली सिर्फ आ, मार्केटिंग और प्रोडक्ट के ही रखे होंगे पीपल विल नॉट गेट कनेक्टेड टू यू How many of you agree that first people connect to you and then they connect to the product? Again I repeat, first people connect to you and then they connect to your product. And if you have our mind, then we can easily focus on attracting the right kind of prospects. Daily habit, one post either on either three. और ये तीनों जगह पर या तीनों में से जो एक प्लेटफॉर्म आप शूट कर सकते हो वहां पर आप कर सकते हैं टू पुट अ मैसेंजर और अ फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस आप अगर आज के डेट में यू नो दर स्पेलिंग मिस्टर एफ आर आई फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर हमने वहां पे भेजा हुआ है मैसेंजर के अंदर उसके इंटरेस्ट रिलेटेड अगर हमने बात की आई सी दैट यू वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई स्पेशलाइज टू हेल्प पीपल दोज हु आर वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी लेट्स गेट कनेक्टेड अभी इससे क्या होता है दोस्तों लोग एडहॉक वहां पे रिलेशनशिप बनाने की बात करते हैं जबकि आपने वहां पर एक स्पेसिफिक मैसेज के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात की है डू यू थिंक दैट यू विल बी डिफरेंट द आंसर इज येस नाउ आई नो सम पीपल विल से नहीं यार ये सब चीज हम लोग नहीं कर पाते माई डियर फ्रेंड्स दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट द सिस्टम हैज टू वर्क या फिर अपने पास में आज के अनसर्टन टाइम के अंदर वी नीड टू क्रिएट सम पाथ वेर वाई वी कैन कनेक्ट टू पीपल इन अ डिफरेंट वे एंड दिस इज द वे एंड देन यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अपॉइंटमेंट्स आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू लिंकड इन के ऊपर मुझे एक ने कनेक्ट किया एंड उनको पता है दैट आई टीच इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स टू कम ऑन ऑनलाइन तो उसने मुझे मैसेज दिया दैट आई हैव सीन योर वीडियोस यू टीच इंश्योरेंस एजेंट्स फॉर गेटिंग ऑनलाइन वी आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड वी क्रिएट सम सॉफ्टवेयर्स एज वेल एज वेबसाइट व्हिच कैन हेल्प इंश्योरेंस इंडस्ट्री वी स्पेशलाइज विद दैट लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस नाउ ये मेरे सब्जेक्ट का इंटरेस्ट था मैंने क्या किया बोला ओके लेट्स कनेक्ट नाउ सुनने में तो कुछ नहीं जाता भले डिसीजन ले ना ले ये दूर की बात है द काइंड इज अप्रोच अगर वो इंसान ने मुझे अप्रोच किया विद इन टू डेज वी कुड डू फेस टू फेस मीटिंग्स अगर कोई अप्रोच करता है तो दरवाजा शायद खुल सकता है या नहीं खुलेगा पर अगर अप्रोच ही नहीं हुआ तो खुलने का कोई चांस ही नहीं आता सो योर डेली रूटीन कंसिस्ट ऑफ नंबर वन इज गेटिंग योर सेल्फ डेली बेसिस ऑन आइदर ऑफ थ्री और ऑल थ्री फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्ड इन नंबर टू इज सेंडिंग देम द रिक्वेस्ट विथ द मैसेज नंबर थ्री इज ऑलवेज आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट आइदर ऑन जूम और अ वीडियो कॉल अच्छा बहुत लोग ये सोचते हैं अमित भाई लोग मना कर देते दोस्तों दुनिया में अपने पास एक सौ पैंतीस करोड़ का पॉपुलेशन है उसके अंदर से मैं बीस करोड़ पॉपुलेशन ऐसा पकड़ता हूँ जो ये सारी बातों को एक्सेप्ट कर सकता है और हमें पूरे साल में अगर मैं सौ केस भी करता हूं ना एक एक लाख रुपए के प्रीमियम के तो एक करोड़ का बिजनेस होता है अभी आप बोलते हो अमित भाई आज एक लाख रुपया प्रीमियम नहीं देता मान लो पचास हजार देता है अगर सौ केस ऐसे किए तो भी पचास लाख का बिजनेस होता है फिर भी अगर आप बोलते हो अमित भाई वो भी नहीं होता उसके भी अगर मैं सौ केस नहीं और पचास केस कर लेता हूं तो पचास केस भी अगर मैं पचास हजार प्रीमियम के करता हूं तो पच्चीस लाख प्रीमियम होता है पर यह चीज डिसिप्लिन से करूंगा तो काम होगा अगर मान लीजिए आपने 25 लाख का बिजनेस किया यू विल बी अर्निंग नियरली नथिंग लेस देन सेवन एंड हाफ लाख रुपीज आप एमडीआरटी डी क्वालिफाई कर सकते हैं बट द पॉइंट इज आर वी रेडी टू फाइट विथ अवर ओल्ड माइंड सेट एंड है डेली रूटीन ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप और अ मोबाइल फोन और जहां पर फेसबुक को स्क्रोल करते करते टाइम पास जहां पर होता है उसके बजाय ये प्रोडक्टिव चीजों को कैसे कर सकते हैव प्रेजेंटेशन ऑन जूम एंड फाइनली गेट देम टू क्लोजिंग नाउ आई नो द क्वेश्चन इज अमित डू पीपल रियली क्लोज ऑन जूम कॉल्स आंसर इज येस इन माई कम्युनिटी देर आर एडवाइजर्स हुन एन आर आई केसेस और जो पांच लाख और सात लाख प्रीमियम क्लोज करते हैं सो इट इज नॉट जस्ट नेसेसरी कि हमें लगता है क्योंकि अभी तक हमारी जो आदत है ना वो ऑफलाइन पे ही जाके क्लोज करने की रही है एंड जब कुछ नई चेंज लाने की बात हो रही है एट दैट टाइम वी रेजिस्ट मेनी ऑफ यू कैन रियलाइज दैट यू आर रेजिस्टिंग दॉट ऑफ गोइंग फॉर अ न्यू चेंज एंड अगर ये चीज का प्रैक्टिस करते गए तो शायद आज से दो साल बाद जब हम लोग बात करेंगे तभी आप बोलोगे अमित ये चीज तो मैं पिछले दो साल से कर रहा हूं बिकॉज यू हैव अडाप्टेड द न्यू टेक्नोलॉजी एंड लर्न फॉर इट ना अपने पास सोर्सेज अवेलेबल है सीखने के लिए वाई डोंट वी लर्न वी कैन लर्न दैट एंड इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड जैसे मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है रजिस्टर टू द फ्री वेबिनार्स बिकॉज दैट इज द वे वेर यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ नाउ कमिंग टू इट ओके अमित हाउ डू आई रियली ट्रैक कि मेरा ये सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है हाउ डू यू असेस योर स्कोर रिमेंबर वन थिंग एवरी एक्टिविटी दैट वी डू वी नीड टू क्रिएट दैट असेसमेंट स्कोर फॉर आवर सेल्फ हाउ मैनी न्यू नेम्स डिड यू कनेक्ट ड्यूरिंग दिस वीक अगर मैं पोस्ट डाल रहा हूं और हर रोज कम से कम 10 से 20 लोगों को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो मेरे पास पांच सात लोग रोज ही मेरे सिस्टम में आने के लिए तैयार हो जाएंगे एंड फॉर दैट इट इज द डेली रूटीन मैं नहीं कहता हूं कि एक साथ ज्यादा कीजिए बिकॉज जिस जिस लोगों को आप अपने को रिक्वेस्ट भेज रहे हो और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके साथ में हमें रिलेशनशिप भी बांधने हैं तो अगर आप पांच लोगों के साथ में भी डेली जुड़ते हो तो एक हफ्ते के अंदर मैं पांच दिन का वर्किंग पकड़ूं तो भी आप पच्चीस लोगों को कनेक्ट कर पाओगे यू कैन कनेक्ट टू ट्वेंटी फाइव न्यू पीपल इज इट एंड दैट इज द वे वेर यू अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल वो प्रोफाइल क्या है क्या क्या चीज करता है उसने अपने प्रोफाइल के ऊपर कोई ना कोई पोस्ट डाली है उसको जाके एंगेज करो उनको वहां पर बोलो बहुत अच्छा लग रहा है दिस इज द वे हाउ यू इंक्रीज योर एंगेजमेंट दैट इज डिड यू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन इसको कहते हैं स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन सामने वाला मुझे विजिबल कब करेगा हाउ विल ही बी विजिबल टू मी हाउ विल ही विजिलाइज दैट अमित इन कनेक्शन विथ मी इफ ही सीज कि मैंने इसको कमेंट दिया हुआ है लाइक like दिया हुआ है और हर एक आदमी की एक आदत होती है जो पोस्ट भेजता है वहां पे अगर कमेंट आई है तो चेक करता है कि, कि किसने कमेंट भेजा है सो so, अगर आपने वहां पे कमेंट भेजा और लगातार एक हाथ हफ्ते तक आप करते गए देर इज अ रिलेशनशिप दैट इज गेटिंग एस्टैब्लिश और उसके बाद मैं कहता हूं अप्रोच फॉर मीटिंग डिस्कस विथ हिम दैट आई हेल्प पीपल इन सो एंड सो बेस आप लाइफ इंश्योरेंस को फोकस करें आई हेल्प पीपल ऑन हैविंग अ फेंटेस्टिक कैश फ्री रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ एंड आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन अबाउट इट सर आई वुड लाइक टू सेल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आई वुड लाइक आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट एंड फॉर प्रोजेक्ट आई रिक्वायर योर सपोर्ट सामने वाला मिलेगा एंड आस्क हिम ओपनली वॉट आर द ऑप्शन दैट ही इज वर्किंग वॉट आर द थिंग दैट ही लाइक्स टू चूज आपके पास में उसका इंटरव्यू लेने का टाइम यहां पे मिल रहा है वेयर यू कैन एक्चुअली फ्रेम क्वेश्चन दैट कैन इंक्रीज योर लेवल ऑफ नो प्रोफेशनलिज्म क्योंकि जितने भी एडवाइजर है मैंने देखा सभी लोग एक ही बात करते हैं यार पॉलिसी सेल्स पॉलिसी सेल्स पॉलिसी सेल्स इट्स लाइक द पर्सन इज नॉट रेडी बट स्टिल वी आर रेडी टू जस्ट पुश ऑफ द सेल और क्लाइंट को ये दिखता है इसके लिए वो अपने से दूर भागता है इफ यू अग्री टू दिस कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू अग्री टू दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग सेल्स एंड दैट इज वॉट People really don't like it. Add values to the life of people, it really works. When you add value, so how many meetings did you generate? Check yourself. And finally, what is your closing ratio? possible. Because the level of sales can always depend upon the level of skills that you have, and that is why learning your scope. ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अपना काम है वो सीखते अगर ऑनलाइन पे हम अभी तक कंफर्टेबल नहीं है एंड आपके पास दो रास्ते हैं या तो फिर आप खुद से सीख सीख के टाइम निकाल निकाल के आप उसको सीखे. या तो फिर गो फॉर अ रेडी फॉर्मूला विच इज अवेलेबल टू अस. जो आप मेरे फ्री सेशन में आएंगे तो मैं डिटेल के अंदर वहां पर दिखाऊंगा आपको बट द प्रोसेस इज वेरी क्लियर आई यू डू इट विथ योर सेल्फ और यू take the experience of the people who have actually done it and execute it so that you do not have to actually go for all the stress atmosphere which we had to go through so always remember ss kiye bina we can never know and lastly what challenges did you face while executing it record your workings let me ask you very clearly how many of you have actually have a record of your own self कि मैंने पिछले महीने में कितना काम किया है इस महीने में कितना काम किया कितने अप्रोच किए क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या स्टैटिस्टिक्स है अपने पास में वी आर इन टू बिजनेस और बिजनेस वाले के पास में जो लोग बिजनेस करते हैं उसके पास में किताब होती है जिसमें रोज वो लिखते हैं आज मेरा बिजनेस कितना हुआ आज क्या हार था कितना हमारा कैश बॉक्स में से आउट गया कितना हमारे कैश बॉक्स में इन आया एंड दोस्तों दैट इज नोन एज ट्रैकिंग फाइंड आउट वॉट आर द चैलेंजेस डिड यू फेस एंड फाइनली डिड यू सर्च फॉर सोल्यूशंस फॉर इट बहुत बार प्रॉब्लम्स आती है और हम वहां पे अटक जाते हैं कैन वी फाइंड सोल्यूशंस फॉर दिस अगर हम नए तरीके से अपने आप को दिस इज द डेली रूटीन इट्स नॉट वन टाइम जॉब इट्स अ डेली रूटीन जॉब सो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं अगर इसको यहां पे रिकेप करता हूं सो द फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्ट योर न्यू नेम्स विद द हेल्प ऑफ फेसबुक इंस्टाग्राम लिंकड engage with your people with writing them messages on the messenger and face friend request number 3 is engage to their post and then finally reach for appointments go for an interview purpose rather than sales purpose have presentations on zoom and lastly try to close the sales and keep on tracking that how many meetings did you do and how many sales did it actually happen i'm sure by doing this thing whatever target that you have set for yourself can can be completed absolutely yes if you really like the video please share the video amongst your friend like and subscribe and do not forget to write the comments of what did you learn from the video i will be more than happy to see and reply back to your comments. Thank you very much and bye bye.